नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में प्राधिकरण द्वारा आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में लगभग 2300 करोड़ धनराशि के निवेश का प्रस्ताव हुआ प्राप्त। शुक्रवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में कुल 27 निवेशकों द्वारा रियलिटी सेक्टर में लगभग 2300 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव दिए गए। इन्वेस्टर्स मीट में मुरादाबाद एवं आसपास क्षेत्रों से भारी संख्या में निवेशक उपस्थित थे। उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए इस इन्वेस्टर्स मीट के महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने हेतु प्रस्तावित उत्तर प्रदेश ग्लोबल समिट 2023 के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप यह आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में निवेशकों द्वारा काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया। बीते कल और आज में ही दो निवेशकों द्वारा निवेश के प्रस्ताव दिए गए। उपाध्यक्ष द्वारा मास्टर प्लान 2031 के ड्राफ्ट एवं सिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत तैयार कराए गए DPR के अनुसार मुरादाबाद में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी तथा किस प्रकार बड़ी आबादी हेतु रियल एस्टेट के विकास आवश्यकता, निवेश की संभावना, विभिन्न व्यवसाय की स्थापना एवं रोजगार सृजन इत्यादि पर प्रकाश डाला गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा बताया गया कि रियल एस्टेट के निवेश एवं विकास में आ रही समस्याओं का निस्तारण तत्काल शासन स्तर एवं प्राधिकरण स्तर पर कराया जाएगा, जिसके लिए विभिन्न निवेशकों द्वारा सुझाए गए तरीकों पर विचार करते हुए सरलीकरण नियम बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में उपाध्यक्ष द्वारा सभी निवेशकों को शाल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। जो है वो एक प्लॉट का अलाउड नहीं होती है, तो इसलिए उसको ट्यूनिंग का बेनिफिट।